प्रदेश के युवाओं को रोजगार देने के साथ ही उन्हें उचित मार्गदर्शन देने और उनके स्टार्टअप को बढ़ावा देने को लेकर प्रदेश सरकार युवा नीति का निर्माण कर रही है, जिसको लेकर मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने इंदौर के खंडवा रोड स्थित देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के सभागार में युवा नीति के लिए युवा संवाद कार्यक्रम में शिरकत की। उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने इस दौरान कहा कि प्रदेश में सीएम शिवराज सिंह युवा दिवस के मौके पर युवा नीति लागू करने जा रहे हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में प्रदेश के विश्वविद्यालय और महाविद्यालय में युवाओं से सुझाव लिए जा रहे हैं और प्रेरित किया जा रहा है कि युवा नीति में केवल अधिकारी इस नीति को ना बनाएं, बल्कि युवाओं से भी उनके सुझाव संग्रह किए जाएं। उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने कहा कि युवा नीति को सभी के सुझाव से बनाने को लेकर माहौल बनाया जा रहा है। इस दौरान मंत्री ने युवाओं का सम्मान भी किया। मध्य प्रदेश में यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान युवा दिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश में नई युवा नीति लागू करने वाले हैं। उसी परिप्रेक्ष्य में मैं लगातार विश्वविद्यालय महाविद्यालय हर जगह विद्यार्थियों से मिलकर के युवाओं के सुझाव संग्रह करने का काम कर रहा हूँ और प्रेरित कर रहे हैं कि युवा नीति में केवल अधिकारी युवा नीति नहीं बनाए, युवा वर्ग की तरफ से बात आना चाहिए। और मुझे इस बात का संतोष है, मैं उज्जैन, जबलपुर, अन्य अन्य जगह जाकर के एक लगातार जो माहौल बना रहा हूँ और हमारा विभाग और विभाग के साथ साथ सरकार के अन्य विभाग भी इस पर काम कर रहे हैं। उम्मीद कर रहे हैं सकारात्मक और अच्छे रिजल्ट आएंगे और सबको प्रिय हो लगे ऐसी युवा नीति बनेगी।